नेशन डजेंट वांट नो, सलमान खान। हम बताते हैं बेटा आपको नेशन क्या चाहता है, व्हाट नेशन वांट। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जी में। मैं हूँ नंदिनी। नेशन डजेंट वांट नो, सलमान खान कहता है डजेंट वांट, नेशन डजेंट वांट नो, बिल्कुल जानना चाहता है सलमान बेटा। और गुस्सा आ रहा है आपको, चिड़चिड़ापन हो रहा है, बाल नोचने का मन कर रहा है, तो आपकी 100 की टीआरपी नीचे आ रही है। और ये क्यों आ रही है ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो। और आप चिंता मत करो, हम इसको ऊपर उठने भी नहीं देंगे, हम इसको इस टीआरपी को ऊपर आने ही नहीं देंगे। यही चाहता है हमारा देश, ये चाहता है हमारा देश कि नशेड़ी बुड अपराध से भरा हुआ ये बॉलीवुड, यहाँ और कितने अपराध होते हैं ये जानना चाहता है हमारा देश। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम तो बिग बॉस की टीआरपी को ऊपर लाने के लिए कभी अरुण आणो गोस्वामी को चिल्लाने नहीं चिल्लाने की सलाह देते हो। चिल्लाओ मत, तुम्हारा चैनल बंद हो जाएगा। और उसके बाद तुम बोलते हो नेशन डजेंट वांट टू नो, देश सब कुछ जानना चाहता है जो आज तक किसी ने नहीं बताया। देश सब कुछ जानना चाहता है तुम्हारे, तुम जो ये हथकंडे अपना रहे हो अपने 100 की टीआरपी को ऊपर लाने के लिए, ये कभी नहीं आने वाली। अब इसको आधुनिक पैसे पड़ा था मैंने कई जगहों पे, कई ग्रुपों में, इसमें कुछ गलत भी नहीं। हालांकि मैंने इस शो में इतनी गंदगी है, हम तो इस शो को कभी नहीं देखते, कभी भी नहीं, और कोई देखेगा भी नहीं। आप जानना चाहोगे कि लोग इस शो के बारे में क्या क्या राय रखते हैं? कभी सर्वे किया है लोगों के बारे के पास जाके, शरीफ घरों में इस शो के बारे में लोग क्या राय रखते हैं? नेशन डजेंट वांट टू नो ये बोला था, नेशन डेफिनेटली वांट टू नो एवरी थिंग अबाउट नशेड़ी गुट, क्या चल रहा है उस नशेड़ी गुट में, क्या चल रहा है सब जानना चाहते हैं लोग। अब हमारे सामने खुल रही है नेपोटिज्म, कैमबाजी, जिस पड़ोसी मीटू, और तो और बच्चों का भी, यहाँ पे जो बच्चों की स्मगलिंग हुई थी, बच्चों को बाहर भेजने का काम अभी कुछ दिन पहले ही खुलासा। बहुत सारी चीजें को लिस्ट ही लंबी हो रही है कि इतनी लिस्ट में इस वीडियो में नहीं बता सकती जितना हमें हम अब देख रहे हैं। किसी का करियर डुबाने तक तो ठीक था, लोगों की हत्याएं, फिर उसको आत्महत्या का नाम दे देना, लड़की का रेप करके उसको उसको हत्या करके उसको आत्महत्या का नाम दे देना। ये जानना चाहता है देश कि इस बॉलीवुड के अंदर अभी और कितने अपराध उजागर होने बाकी हैं, ये जानना चाहता है हमारा देश। तुम्हें हमारे देश से क्या लेना है? तुम कमाते यहाँ हो और खाते यहाँ हो, गाते कहीं और का हो जाते, और तुम कल को तुम बुढ़े हो जाओगे, चल रहने भी तुम फिर कहीं और चले जाओगे। यहाँ के नागरिक को अधिकार है सब कुछ जानने का, जो जो ये बॉलीवुड आज अपराधों की नगरी बन चुका है, जो हमारे देश के लिए कैंसर का काम कर रहा है, ये देश की जनता जरूर जानना चाहती है कि इस बॉलीवुड के अंदर अभी और कितने अपराध होने बाकी हैं। तुम अपने शो को ऊपर लाने के लिए अर्णव गोस्वामी की बेइज्जती करो, अर्णव कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जैसे इंसान क्या बोलते हैं। जब वक्त था तुम्हें पूजा, तुम्हारे सर आंखों पे रखा और तुमने हमें बेवकूफ बनाया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि जिस देश में ने तुम्हें सर आंखों पे बिठाए, बुलंदियों पे बिठाए, कोई जात पात का, कोई अगर जात पात का हिंदू अगर सोचने वाला होता तो बॉलीवुड की बुलंदियों पे सिर्फ खानी राज नहीं कर रहे होते। इस तरह की गलतफहमी, कुछ घटिया तरह के लोग होते कि हिंदू मुस्लिम से नफरत करते हैं,
हिंदू मुस्लिम से नफरत नहीं करते, गंदी सोच वाले लोगों से नफरत करते हैं, लव जिहाद करने वालों से नफरत करते हैं, जो इस देश में रह के यही का खाते हैं गाते हैं, कहीं और का है, इस देश के कहीं भी काम नहीं आते, उनसे नफरत करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, हम उनको पूछते हैं, ऐसा भगवान ऐसा इंसान बार बार इस हमारे भारत देश में जन्मे, वो किसी भी धर्म में हो, हम ये चाहते हैं। तुम्हारे जैसे घटिया सोच के लोग यहाँ नहीं चाहिए। तुम कहते हो मुस्लिमों से नफरत करते हैं हिंदू, तुम्हारे जैसे लोगों के की सोच है, और कुछ घटिया पत्रकार हैं तुम्हारे जैसे, तुम्हारे समर्थन करने वाले कुछ नेता हैं। अगर ऐसा होता तो सिनेमा जगत के बुलंदियों पे ये खांच कभी नहीं होते। चाहे तुम बड़े पर्दे पे आए, चाहे तुम छोटे पर्दे पे आए, हमने तुम्हें सराखों पे बिठाए। चाहे तुम बिग बॉस पे, तो कितने टाइम से बिग बॉस को आप कर रहे हो, उसके बाद इससे पहले सोनी पे भी एक शो जो आया था, उसको भी लोगों ने सराखों पे बिठाया, इसलिए कि सिर्फ लोग तुमसे प्यार करते थे। लोगों को लगता था कि हम इनसे प्यार करते थे, ये भी हमारे देश से प्यार करता है। लोगों को थोड़ा पता था कि ये बॉलीवुड वाले, हम कितने बड़े बॉलीवुड के अंदर कितने सांप पाल रहे हैं, हम अपने ही देश के अंदर। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, दिशा सल्यान का रेप, उसकी हत्या, पूरा बॉलीवुड जानता है इस बात को, पूरा बॉलीवुड जानता है, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। कोई सहानुभूति भी क्यों दिखाएगा, कोई क्यों उसके लिए न्याय, इनके लिए न्याय मांगेगा। इतना नशा, एनसीबी वालों ने इतने धरपकड़ की, किसी भी बड़े स्टार ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये गलत है, ये हमारे देश को बिगाड़ रहा है, ये हमारे देश की पीढ़ियों को बिगाड़ रहा है। जब इस देश को तुम अपना मानते तब आप ये सब करते ना, आप तो इस देश को अपना मानते नहीं हो, आपको लगता है कि जब तक चल रहा है ठीक है, फिर हम तो कहीं और चले जाएंगे। वैसे भी आपको इसको अपना देश मानते ही नहीं हो, हम ही बेवकूफ थे, तुम्हें अपना समझ के सर आंखों पे बिठाए, बुलंदियों तक ले गए, हम बेवकूफ थे आज तक, लेकिन अब जब हम आंख खोल रहे तो तुम्हें चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, बाल खींचने का मन कर रहा है, अपनी शो की टीआरपी गिरते हुए देखने के देखते हुए। चिंता मत करो, हम इसको ऊपर उठने नहीं देंगे, बस तुम अपने बाल नोचते रहना, चिड़चिड़ापन दिखाते रहना, लोग इसे ऊपर नहीं उठने देंगे। जो भी परिवार, अगर तुम इस देश को अपना देश मानते हो, तो इतने घटिया कॉन्सेप्ट के साथ, इतना घटिया शो लेके कभी भी एक फैमिली शो नहीं लेके आते हमारे देश के अंदर। कम से कम उस चीज का ध्यान रखते हैं कि इस शो को परिवार के साथ देखते हैं तो हमें किस तरह के का यहाँ पे लोगों को हिदायत देनी चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए, किस तरह से किसको व्यवहार करना चाहिए, क्या सिखाते हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, अश्लीलता, गंदगी, ये सब चीजें सिखाई देती है। वहां पे भी राजनीति, गंदगी, यहाँ की बात है वहां, वहां की बात है वहां, ये सब सिखाया जाता है आपके शो के माध्यम से, ये हमारे देश को परोस रहे हो आप। लेकिन कितने बड़े बेवकूफ थे, हर शो को सराखों पे बिठाए, तुम्हें बड़े पर्दे पे तो ऊपर चढ़ाया ही, लेकिन तो छोटे पर्दे पे आए तो तुम्हें बेइंतहा प्यार दिया, और तुमने उस प्यार का अंजाम ये दिया कि आज तुम हमारे देश में हत्याओं को आत्महत्या का करार दे दिया जाता है, उनका समर्थन करते हो, वहां पे तुम कुछ नहीं बोलते, इसी देश के जो हित में काम करते हो तुम उनको फंसाने का काम करते हो। इस देश में जो अपने, इस देश के लोग जो अपनी योग्यता के बलबते ऊपर आने की कोशिश करता है, उनको तुम दबाने का काम करते हो, ये तुम हमारे देश में देश के साथ करते हो। और फिर तुम कहते हो हम हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं करते, हमने कभी नहीं किया, हमने तुम लोगों को भी सराखों पे बिठाया, और हमने एपीजे अब्दुल कलाम से हम बहुत प्यार करते हैं, उनको हम भगवान की तरह पूजते हैं। तुम अपनी सोच को सही करो, और अब न तुम्हारी सोच अच्छी होगी ना हम तुम्हें ऊपर उठने देंगे। अगर इस देश के नागरिक के अंदर थोड़ा सा भी जागरूकता होगी तो वो जरूर जानना चाहेगा कि हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है। इस सलमान खान के घटिया डायलॉग बोल बोल के, जो एक घटिया डायलॉग बोल बोल के अपने शो को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है, इसको ऊपर उठने नहीं देना चाहिए। किसी हर किसी की जिम्मेदारी बनती है इस घटिया शो को इस मुकाम पे लाओ कि ये बंद हो जाए। नेशन डजेंट वॉन्ट टू नो, नेशन हर चीज जानना चाहता है, इस देश का अधिकार है, इस देश के हर नागरिक का अधिकार है हमारे देश में क्या हो रहा है,
और हमारे देश में क्या होने वाला है, कौन हमारे देश के हित में है, कौन हमारे देश में के अहित में है, कौन हमारा भला चाह रहा है, कौन हमारा बुरा चाह रहा है, ये इस देश के हर नागरिक का अधिकार है। जो सलमान खान जैसे दो कौड़ी के इंसान बिल्कुल नहीं समझ सकते, और न किसी न ये सलमान खान जैसे इंसान इसको रोक पाएंगे किसी के अधिकारों से। बॉलीवुड में चलती होगी कैमबाजी, गुडबाजी, वहां पे तुम्हारे एक अंडरवर्ल्ड की तरह काम करते हो तुम। उस बॉलीवुड के अंदर कितने लोगों को तुमने का करियर तुमने खराब कर दिया अपनी दादागिरी की वजह से। और हम कितने बेवकूफ थे, हम पहले से सोचते रहते थे यार जिसने भी किया सलमान के साथ गलत किया, लेकिन आज पता चल रहा है। जब लोग बोलते थे अरे इसने तो फलाने का करियर खराब कर दिया, हम कहते थे हाँ सलमान खान जैसे अच्छे इंसान के साथ गलत करोगे तो तुम्हारा करियर अपने आप डूब जाएगा। हमें क्या पता था ये सलमान खान इतना घटिया इंसान है, हमारे ही देश के लोगों को का करियर खराब कर रहा है, छोटे तबके के आने वाले से लोगों को उठने नहीं दे रहा। आज आंखें खुल चुकी है तो पूरा देश सब कुछ जानना चाहता है। तेरे डजेंट वन नाव से कुछ नहीं होता, इसलिए तुम जहां पे हो वहीं रहो, बाल उधेड़ो, गुस्सा दिखाओ, चिड़चिड़ापन दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ऊपर अब किसी भी हालत में नहीं आओगे और न लोगों को आने देना चाहिए, अगर जिसको अपने देश से सच में प्यार है तो। नमस्कार, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली वीडियोज की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर देना।